हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों, आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बात आई कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की। एक एक बात को समझो, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1887 में। एक एक बात को समझना, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की। हर्ट्ज आप जानते ही हैं, आवृत्ति का मात्रक है ना, हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की 1887 में। होता क्या है ये, ठीक है? होता क्या है, कुछ धातुओं पर, ठीक है, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज डालते हैं, प्रकाश पुंज होता है विकिरणों का समूह। प्रकाश को आपको पता ही है, प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। कुछ धातुओं पर जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज आपतित करते हैं, आपतित मतलब डालते हैं, तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोबारा सुनो, जब कुछ धातुओं पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज आपतित करते हैं, अरे प्रकाश पुंज में विकिरण होंगी और विकिरणों में आवृत्ति नहीं होती क्या? तो एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज आपतित करते हैं तो इन धातुओं से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक एक बात को समझते चलते हैं। जब ऐसे लिखो, धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज मतलब विकिरणों का समूह। जब धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज आपतित करते हैं, आपतित करते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो एक एक बात को क्लियर कर लो, जब धातु पर आपके पास धातु है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज उस पर आपतित कर रहे हैं, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, अच्छा, आपतित विकिरणों की आवृत्ति
आपतित विकिरणों की आवृत्ति, जो विकिरण हमने डाली हैं उसकी आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। एक एक बात को समझोगे। मतलब देखो, ये धातु है, ये विकिरण इस पर डाली हमने, तो आपतित विकिरणों की आवृत्ति, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, है ना। गति करने पर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वस्तु गति करती है, कोई भी कण गति करता है, तो उसके लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए, गतिज ऊर्जा। आपतित विकिरणों की आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के समान पाती है। सोचो इस बात को, ये सही है क्या। विकिरण की जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, ढंग से सुनो, आपतित विकिरणों की मान लो हम आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति बढ़ने पर विकिरणों की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है ई समानुपाती होता है न्यू। ये प्लैंक ने कहा था पिछले में, आपतित विकिरणों की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आपतित विकिरणों की ऊर्जा बढ़ेगी, और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। अरे विकिरण अपनी ऊर्जा धातु को इलेक्ट्रॉनों को ही तो दे रहे हैं। ये विकिरण आए, विकिरणों की ऊर्जा आधा, विकिरण अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि दोनों समानुपाती होंगे, सही है। अच्छा, तो आपतित विकिरणों की आवृत्ति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के क्या होती है, समानुपाती। सही है। और एक बात और, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, दो बात कह रहा हूं, ढंग से समझ लेना, इन्हें समझने की बात है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, एक एक बात को समझो। आपतित विकिरण जो है, इनकी तीव्रता, इनकी स्पीड कितनी हो, ज्यादा हो कम हो, आपतित विकिरणों की तीव्रता से गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डिपेंड करेगी किस पर, आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर। आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उठपटांग टॉपिक है, समझने की कोशिश करो, मैं ग्राफ से भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये तो है विकिरणों की आवृत्ति, इधर विकिरणों की आवृत्ति इधर है ना, और इधर है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट लिख देता हूँ आप समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है, जैसे जैसे विकिरणों की आवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती जा रही है, गतिज ऊर्जा, है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आवृत्ति इतनी, गतिज ऊर्जा इतनी, यहाँ देखो
आवृत्ति बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो जैसे इस तरह का ग्राफ मिलता है, मतलब ये ग्राफ हमसे ये कह रहा है कि विकिरणों की आवृत्ति गतिज ऊर्जा के समानुपाती है। विकिरणों की जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा, अब हम ग्राफ बनाते हैं। मान लो इनके मध्य यहाँ तो वही इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहाँ लेते हैं हम विकिरणों की तीव्रता। विकिरणों की तीव्रता लेते हैं तो इनमें कोई मतलब नहीं है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। मतलब विकिरणों की तीव्रता बढ़ रही है पर गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, गतिज ऊर्जा उतनी की उतनी है। देखो तीव्रता तो बढ़ती जा रही है पर गतिज ऊर्जा का मान उतना ही मिल रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। तो मैंने ये तीन चार बातें बताई। मैंने पहले तो ये कहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की, 1887 में हर्ज नामक वैज्ञानिक ने की। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु पर हम एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण डालते हैं, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज डालते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्लियर, ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विकिरणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये चार बात बताई हैं मैंने जो आपके सामने लिख रही हैं, इनको फटाफट नोट करो फिर आगे बताता हूँ मैं, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी लिखो। सही है, अब आगे देखो, इसको आगे समझो। हाँ, अब आगे सुनो। आपको प्लैंक की बात याद होगी कि जो विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल फोटॉन्स या क्वांटम के बने होते हैं, सही है। तो देखो होता क्या है, जैसे ये एक परमाणु है, ढंग से सुनो, ये परमाणु का नाभिक है आपको पता ही है, और कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये परमाणु का नाभिक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, ये धातु है, धातु धातु के अंदर परमाणु होंगे ही,
है? धातु के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे ऐसे, धातु के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे। अच्छा, ये मान लो विकिरण आई, इस पर गिरी इलेक्ट्रॉन पर, विकिरण किससे बनी होती है? फोटोन से। तो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? ऊर्जा, क्योंकि विकिरण जो होती है ये फोटोन से बनी होती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की बात चल रही है ना, तो इसलिए हम फोटोन बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, ये फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करता है और बाहर आता है, और बाहर आकर के फिर गति करता है। तो फोटोन जो है ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है? हम कह सकते हैं विकिरण में उपस्थित फोटोन परमाणु में उपस्थित धातु के परमाणु में उपस्थित, बात को समझना, ये धातु के परमाणु हैं। तो विकिरण में उपस्थित फोटोन धातु के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, भाई विकिरण के अंदर फोटोन ही तो होते हैं, और ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आकर के गति करता है। अर्थात हम सीधी सी बात हम कह सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना फोटोनों के कारण होती है। ये फोटोन धातु में उपस्थित परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऊर्जा देते हैं, जिससे वे बाहर आकर के, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर आने के लिए, केवल बाहर गति नहीं, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए, ढंग से समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको परमाणु से बाहर निकलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, मतलब मान लो जैसे 50 ऊर्जा चाहिए कम से कम, तो वो 50 ऊर्जा क्या है? देहली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा जितनी चाहिए ना परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए, वह न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा या कार्य फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य फलन। तो कार्य फलन समझ गए या देहली ऊर्जा समझ गए? इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वह क्या कहलाती है? कार्य फलन, ठीक है? अच्छा, और ये ऊर्जा है किसकी? फोटोन की। परमाणु को इलेक्ट्रॉन से पर, हाँ, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहलाती है। और यह न्यूनतम ऊर्जा देता कौन है? फोटोन ही तो देता है इस इलेक्ट्रॉन को। फोटोन इलेक्ट्रॉन पर गिर रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात कर रहे हैं अपन, फोटोन इलेक्ट्रॉन पर गिर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को फोटोन ही तो ऊर्जा दे रहे हैं जिससे वो बाहर निकलेंगे। मतलब देहली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कौन देता है? सोच लो, इलेक्ट्रॉन को देहली ऊर्जा मतलब वह ऊर्जा जिससे वो परमाणु से बाहर निकल जाए, फोटोन देते हैं, सही है? तो हम एक बात और कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को देहली ऊर्जा, बात को एक एक को समझोगे जब तो बढ़िया रहेगा, फोटोन प्रदान करते हैं इलेक्ट्रॉन को देहली ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? फोटोन प्रदान करते हैं। समझो पूरी बात को, एक एक शब्द को समझो। अगली बात, फोटोन की न्यूनतम आवृत्ति फोटोन की न्यूनतम आवृत्ति जिससे
इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ जाए दहली आवृत्ति कहलाती है। इस बात को भी समझ लो ढंग से। आपको पता ही है जैसे ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे फोटोन है, फोटोन आकर के गिर रहे हैं, तो फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, हम ऐसे भी कह सकते हैं फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा ही तो है। अरे फोटोन तो प्रदान करते इलेक्ट्रॉन को दहली ऊर्जा, तो दहली ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा ही तो है। तो एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए दहली ऊर्जा, और फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति। अच्छा, आइंस्टीन क्या कहता है, एक एक बात को बहुत ही गहराई से पकड़ो। आइंस्टीन के अनुसार जो अब मैं बात बताना चाह रहा हूं इसको समझ लो। आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा जो फोटोन गिर रहा है उसकी ऊर्जा किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कार्य फलन। डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्य फलन समझ गए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसको सोचो पहले, ये सही लिखा है क्या, आइंस्टीन ने ये बात सही कही है क्या। दोबारा सुन लो, ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई फोटोन आपतित हो रहा है, इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहर आ गया फिर गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये तो फोटोन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये कार्य फलन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन गतिज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है, फोटोन ही तो प्रदान कर रहा है, फोटोन की ऊर्जा ही तो है वो। फोटोन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये तो कार्य फलन, फिर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन का कार्य फलन मतलब बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को जोड़ दे तो फोटोन की ऊर्जा नहीं आ जाएगी क्या, सोच लो। आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कार्य फलन मतलब बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का योगी तो होगी है। फोटोन की ऊर्जा का सिंबल हम मान लेते हैं ई, बराबर कार्य फलन भी एक ऊर्जा ही है, इसका सिंबल ई नोट। कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ जाए प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। समझ लो सिंबलों को, ये फोटोन की ऊर्जा, ये कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाए और गतिज करने लग जाए तो गतिज ऊर्जा। अच्छा माना, आप यहां तक नोट करो फिर आगे समझाता हूं इसे। नोट करो, इसे फटाफट नोट करो। नोट कर लिया, जल्दी करो। बड़ा ऊटपटांग टॉपिक है, अपने दिमाग को वीडियो को डबल बार देखें, अगर समझ में नहीं आए तो आ जाएगा समझ में, पर ढंग से पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा।
अब मेरी बात को आगे सुनो और समझो। एक बात बताओ, यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा जिसे कार्यफलन भी कहते हैं से कम है, ये परमाणु है, ये नाभिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन आ रहा है ना विकिरण के माध्यम से। फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है, देहली ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बात को समझना, यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। अच्छा, यदि मतलब फिर तो कौन सी घटना नहीं होगी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन, फोटोन की ऊर्जा कितनी है? देहली ऊर्जा के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा ग्रहण करके परमाणु से बाहर आ जाएगा, पर क्या नहीं करेगा? गति नहीं करेगा। है, बात को समझ लो, क्योंकि फोटोन ने अपनी ऊर्जा दे दी इसको, पूरी इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी? देहली ऊर्जा के बराबर, पर फोटोन के पास इतनी ऊर्जा है, देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु से बाहर ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं, बात को समझोगे तो समझ में आएगा, यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा के समान है, यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा के समान है तो इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु से बाहर आएगा, परमाणु से बाहर आएगा मतलब, अर्थात परमाणु से बाहर आएगा केवल, अर्थात मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। परमाणु से बाहर निकल गया तो मुक्त हो जाएगा, पर गति नहीं करेगा, किंतु गति नहीं करेगा। बाहर तो निकल गया, गति नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा इतनी मिली कि वो परमाणु से बाहर निकल सके केवल। और यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है, कार्यफलन से अधिक है, सोच लो खुद ही, फोटोन ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है तो परमाणु बाहर निकल जाएगा और फिर गति भी करेगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा किसके लिए भी मिल जाएगी, गति के लिए भी। भाई फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है तो देहली ऊर्जा से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित का मतलब वो निकल करके गति करेगा, अर्थात गति भी करेगा। तो बात तो बढ़िया बढ़िया बताई है मैंने आज आपको, समझ में आती है कि नहीं आती वो बात अलग है, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ तक अपन ने ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया है, वीडियो को इसे फटाफट आप नोट करें, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये फॉर्मूला बताया था ना, इसको याद रखना, E बराबर E नोट प्लस के ई। ई क्या थी? फोटोन की ऊर्जा बराबर E नोट। E नोट क्या था? कार्यफलन है, यही था ना अपने पास फॉर्मूला। और देख लो, ये फॉर्मूला था E बराबर E नोट प्लस के ई। अच्छा, E को अपन H न्यू लिख सकते हैं, E है फोटोन की ऊर्जा, इसको अपन H न्यू नोट लिख सकते हैं, ये है कार्यफलन, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलता है, ये है
देहली आवृत्ति और गायकत्व ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। ये फोटोन की आवृत्ति है, ये फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, देहली आवृत्ति है। ये हाफ एम बी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है, लिख लेना जो भी लिखना चाहे। इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, है ना, लिख लो। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।